उसका हमेशा कहना था भाई का कि हम आएंगे तो कभी तिरंगा में ही लौट के आएंगे, और वो करके वो दिखा दिया कि वो जो गर्व महसूस कराया के गया है भाई, आने वाले पीढ़ियों को दिखा के गया है कि हम देश के लिए जो बलिदान सर्वोत्तम दे सकते हैं वो दे के गया है। उस और 9 महीना अभी तो दुनिया में कुछ देखा ही नहीं था, जो 21 साल के एज में लड़का मोबाइल चलाते हैं लोग, वो तो 21 साल में अपने देश के लिए वो करके गया है कि ये जो गांव दोन है इसके लिए गर्व की बात है। ये सिवान के दोन का 21 वर्षीय अग्निवीर जवान प्रदीप यादव देश के लिए देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया है। उनके शहादत पर एक बार पूरा सिवान रो पड़ा है। शहीद जवान प्रदीप यादव का एक झलक पा लेने के लिए लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ सिवान के गोपालगंज मोड़ से लेकर दोन गांव तक सड़क के दोनों तरफ उमड़ी रही। मात्र 21 वर्ष के जवान के अंदर देश सेवा का इतना जुनून था कि वह 10वीं की पढ़ाई करने के बाद से ही सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी शुरू कर दिया था। सेना में भर्ती होने के बाद जब पहली बार वह वापस अपने घर लौटा तो अपने माँ और बहन को सैनिक के स्टाइल में सैल्यूट किया था। वहीं उसके घर पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े के साथ उसका स्वागत किया था और माँ ने चंदन तिलक लगाकर। तब किसी को यह नहीं पता था कि जिस दरवाजे पर माँ अपने बेटे का तिलक लगाकर स्वागत कर रही है उसी दरवाजे पर एक दिन उनका बेटा तिरंगे से लिपटा हुआ घर आएगा। प्रदीप से जब भी उसके दोस्त वापस घर लौटने की बात पूछते थे तो वह अपने दोस्तों से अक्सर फिल्मी स्टाइल में कहा करता था कि वापस तो लौटूंगा, पैदल लौट के आऊं या तिरंगे में लिपटा हुआ लौट के आऊं, लौटूंगा जरूर। इसी को याद कर आज भी प्रदीप के दोस्त भी लगातार रोते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार देश के लिए शहीद होकर पूरे देशवासियों को प्रदीप ने रुला दिया है। वहीं सिवान वासियों को यह गर्व है कि उनके धरती का लाल देश के लिए शहीद हुआ है। जा
वो पीछे करना पड़ेगा भीड़ घटना है। हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि युवा पीढ़ी जो हम लोग का सरहद पर शहीद होते हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं बनी वो सही समय पर मिले, सम्मान मिल रहा है। ये तो देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, एक वीर शहीद होता है तो 1,00,000 वीर पैदा होते हैं आर्मी में जाने के लिए। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम महान देश के वासी हैं। लेकिन जो मुआवजा चाहे जो भी व्यवस्थाएं सरकार की बनी है अगर उस समय पर मिले तो उस परिवार को एक एक तरह से मदद ही मिलेगा। क्या संदेश देंगे युवाओं को जिस तरीके से अपने देश के युवा के शहीद? हम क्या संदेश देंगे, हम तो देख रहे हैं युवा का जो हुजूम जो पीछे दौड़ रहे हैं, यही सब युवा फिर आर्मी में जाएंगे, ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। ये प्रदीप यादव एक होनहार आदमीनसार लड़का था और उसके शहादत पर आज आप देखे होंगे कि लाखों लोग सिवान से लेकर के उनके गांव डोन तक लोग ताता लगाए हुए थे। आज उनके परिजन से मिल करके हमने संवेदना व्यक्त किया और इस अवसर पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। निश्चित रूप से वह लड़का अपना शहादत देकर देश की एकता और अखंडता को बचाने का काम किया है। सारे के सारे लोग प्रदीप को श्रद्धांजलि देने के लिए, प्रदीप को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रोड पर खड़े हैं। लेकिन एक बात जरूर हम कहेंगे कि जो शहादत हुई है इस पर हमको गर्व है, सिवान जिला को गर्व है कि हमारे घर का बेटा जा करके देश के लिए सीमा पर अपना जान गंवा दिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे देश की जो सरकार है, हम लोग उस समय भी कहे थे कि अग्नि वीर जो आप बना रहे हैं
और अग्निपथ योजना जो लेकर के आप आए हुए हैं, ये योजना ठीक नहीं है। कम से कम सैनिकों को 9 महीना का ट्रेनिंग होता था, ट्रेनिंग के बाद एक मैच्योर सैनिक बनकर के कुछ दिन तक और जाकर इलाके में क्षेत्र में काम करते थे और तब जाकर के उन्हें सीमा पर भेजा जाता था जहाँ आतंकवादियों से मुकाबला करना होता है। लेकिन फिलहाल अभी हमको लगता है कि पूरी समय 6 महीना का रहा, 2 महीना का मात्र ट्रेनिंग दिया गया, पता ना ट्रेनिंग पूर्ण हुआ था कि नहीं हुआ था। तब तक इनको लद्दाख, आप कह रहे हैं, हमने सुना बाघा बॉर्डर पर, दोनों में जिस जगह भी हो बॉर्डर पर भेज दिया गया जहाँ पर रोज गोलियाँ चलती है, जहाँ रोज जो है जीवन और मौत से खेलना रहता है। तो मैं समझता हूँ एकदम मान में चोट नौजवान को वहाँ नहीं भेजा जाना चाहिए। इनके साहस को तो हम धन्यवाद देते हैं, साहस के लिए तो बधाई है, इतना बड़ा साहसी लड़का था। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार की कमजोरियाँ हैं, गलतियाँ हैं केंद्र सरकार की, जिस वजह से ये सारी घटनाएँ भी हो रही हैं। इसे रोका जाना चाहिए और नए लड़कों को जो अग्निवीर के तहत ज्वाइनिंग किया है उन लोगों को कम से कम ऐसे रिस्की जगह पर नहीं भेजा जाना चाहिए। आज एक बूढ़े बाप जो है, जिनके मन में सपना था कि मेरा बेटा 4 साल नौकरी करेगा, और ये तो हम लोग पहले ही कहे थे कि 4 साल की नौकरी एक तरह से कहा जाए तो रिटायरमेंट योजना है। इस नौकरी से हमेशा तलवार जो है नौकरी पर लटकी रहती है, आर्थिक रूप से भी सुरक्षा नहीं है और सामाजिक रूप से भी सुरक्षा नहीं है। तो ये सारे संकट तो इस नौकरी में था ही, लेकिन इसके साथ ही साथ कमजोरियाँ रही जिसके वजह से बॉर्डर पर भेज दिया गया। लेकिन फिर से एक बार मैं उनको सत सत नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूँ और उस लाल को अपने तरफ से मैं साहस के लिए बधाई देता हूँ, और मैं उनके माता पिता को भी इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इतनी साहसी बेटा को पैदा किया, आज मैं देख रहा हूँ यहाँ से लेकर के मैरवा और सिवान तक हजारों हजार की भीड़ उमड़ी हुई है, जन सैलाब जगह जगह रोड पर खड़ा होकर के फूल माला लेकर के स्वागत में खड़ा है। तो जो भी कोई आदमी देश के सेवा के लिए कुर्बानी देता है, शहादत देता है, उसके लिए समाज खड़ा रहता है। और आज यह बात सिद्ध हो गया है, देश के लिए जो शहीद होते हैं वो हर एक दिल के करीब होते हैं, और आज ये बात साबित हो गया है कि गांव गांव से लोग अपना काम छोड़ कर। सबसे पहले तो मैं प्रदीप को नमन करता हूँ कि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, और इतना कम उम्र में देश के खातिर बलिदान देने वाला मैं समझता हूँ बहुत कम लोग हैं। अग्निवीर के माध्यम से इन्होंने जो है अपने नौकरी को ज्वाइन किया था और सीमा पर जा कर के देश की रक्षा के लिए डट करके जान हथेली पर लेकर खड़े थे। क्या कहेंगे आज जो अमर शहीद जो प्रदीप यादव है, आज उनका जो शव है आज उनके गांव पहुंचाया गया है और यहां पे जो दरौली घाट है यहां पे अंतिम संस्कार किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो पहले इस देश के जवान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं, और मैं यही कहूंगा कि ऐसे नेक वीर हर घर में पैदा हो ताकि इस तरह के आने वाले दिन में कोई भी गलती होती है हमारे देश को कहीं नुकसान पहुंचता है, वहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने मातृभूमि के लिए अपने शीश कटाने के लिए भी आगे बढ़ के काम करें। इससे इस तरह के प्रदीप यादव जी को मेरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि है, और जिस तरह से आप इनके चिता को देखेंगे धू धू करके जल रहा है और उसमें से जो ज्वाला निकल रहा है वो हर एक युवा के अंदर ज्वाला वो फैलेगा और उस ज्वाला में क्रांति आएगा जो देश की रक्षा के लिए हमेशा समर्पित होगा। वैसे वैसे प्रदीप यादव को जो अपने देश के लिए अपने जिंदगी को नौछावर कर, अपनी जान को नौछावर कर दिए, वैसे प्रदीप यादव को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि हर बार देते रहूँगा, और ऐसे ऐसे वीर जितने भी हमारे देश में हैं उन सभी को मेरा श्रद्धांजलि है। क्या लग रहा है इनके अंतिम यात्रा में कितने की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं? यात्रा किसी नेता की थोड़ी है कि इसमें संख्या बुलाना पड़ता है, ये तो समझिए पूरा जिला नहीं पूरा प्रदेश यहाँ पे जुमड़ा हुआ है। जिस तरह से 20-20 हजार की संख्या में आप अनगिनत बाइक अनगिनत रोड शो के जिस तरह होता है बड़ा बड़ा आयोजन, उससे बड़ा ये कहीं आयोजन है। और इस चीज पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तेरा हर दिन मेरे हर रात अच्छा होगा, मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा, जालिम डोली से झांक कर देखना, मेरा जनाजा भी तेरे बारात से अच्छा होगा, मेरा जनाजा भी तेरे बारात से अच्छा होगा। ये जो झांकी नहीं है, ये एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए सभी युवा अपने देश के नौजवान के लिए अपने देश के वीर सपूत के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और प्रदीप यादव को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ।
देखा गया कि जब शहीद हुए थे प्रदीप यादव, उस दिन से लेकर के और कल तक उनके दरवाजे पर कोई नेता या प्रशासन के पदाधिकारी नहीं गए हुए थे। आज जो भी अधिकारी पहुंचेंगे इसको लेकर नेता का तो काम होता है केवल वोट बैंक वाला। नेता असली आज के जो नेता है प्रदेश में, जो आज नेता जिसको कहा जा रहा है, वो एक तरह से गाली का शब्द हो गया है। और जो लोग समाज सेवी लिखते हैं वो भी एक तरह से गाली का शब्द हो चुका है। लोग इसको गाली के तौर पर देखते हैं, इसको नेता नहीं मानते हैं। नेता वो होता है जो नेतृत्व का जिसके पास क्षमता हो, नेता वो होता है जिस समाज का रक्षा करता हो, नेता वो होता है जो समाज के प्रति सोचता हो, नेता वो नहीं होता है कि बस वोट बैंक के लिए अपने काम को आगे बढ़ा के चलता हो, वैसे नेता नहीं होता है। और नेता लोग जब चुनाव आता है तो हर दरवाजे पर जाते हैं, ऐसे किसी दरवाजे पर नहीं जाते हैं। क्या कहेंगे आज प्रदीप यादव के शहादत दिवस पे? मैं तो प्रदीप यादव जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दूंगा और तमाम वीर सपूतों को याद करते हुए आज सभी युवाओं को भी आभार व्यक्त करता हूं कि इनके अंतिम संस्कार में, अंतिम यात्रा में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ा है, मैं सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अपना परिचय बता दें। मैं सौमिल उपाध्याय, युवा नेता।